है, हम बात करते हैं अभी ठीक गांधी जी के अक्स मेरे पीछे देख सकते हैं। मैं अपने सहयोगी कैमरामैन गौरव गिरी से कहना चाहूँगा कि दिखाए कैसे खड़े हैं, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से अपने गीता को लेकर के, अपने घड़ी को लेकर के, लाठी को लेकर के, उनका अक्स देख सकते हैं आप बिल्कुल सामने मेरे खड़े हैं, इनसे बात करेंगे। युवा ही देश की जान है, देश की बहुत बड़ी ताकत है और उस ताकत को एक साथ लगाने की अत्यंत आवश्यकता। आज के युवाओं दिग्भ्रमित है, उसे कई राजनीतिक पार्टियां अपने मोहरा बना करके यूज करना सिर्फ चाह रही है, लेकिन उसी नई दिशाएं के लिए एक भारत में दोबारा आंदोलन की जरूरत है। देखिए अभी तक तो हमारा जनसंपर्क अभियान ही चला है जो पूरे देश में पूरा हो चुका। अब हम NCR भी हैं और चाह रहे हैं कि कोई आंदोलन खड़ा किया जाए, क्योंकि देश का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और विशेष तौर पर देश का मुख्य न्यायाधीश सब बकार साबित हुए। किसी ने भी प्रजा के हित की बात नहीं की और ने सोचा। मुझे बड़ा अत्यंत दुख होता है कि मैं 1962 से इन लोगों को चेता रहा हूँ कि ब्रिटिश सामंती व्यवस्था नीति को भंग कीजिए, तभी ज्वलंत समस्याओं से देश आज़ाद हो सकेगा। अमीर गरीब के बीच बढ़ती जा रही दूरी को खत्म कीजिए, कोई समस्या ही नहीं होगी, सब खुशहाल होंगे। एक गरीब क्यों मजबूरी में चोरी कर रहा है या क्यों डाका डाल रहा है, पेट भरने के लिए वो ऐसा कर रहा है। यदि उसको उसकी ज़रूरत नहीं है, उसकी खुशहाली के लिए उसको पर्याप्त धन प्राप्त हो रहा है तो क्यों बुरा करेगा। तो शासन तंत्र अनदेखी कर रहा है, बस उन्हें तो ये है कि हमारा समय पूरा हो जाए फिर जा भाड़ में जाए, ऐसा नहीं होने देंगे। अब जल इसीलिए ज़रूरत है एक आंदोलन की, ऐसे जन आंदोलन की जो देश की समृद्धि विकास के लिए अग्रसर हो। मेरे साथ मास्टर रामवीर जी है, डॉक्टर महेश हैं, डॉक्टर महेश बिहार से आए हुए हैं, आप हरियाणा से आए हुए हैं रामवीर जी, बहुत सहयोग करते हैं, अच्छी विचारधारा है, देश से प्रेम है, बहन जी है उसका नाम तो मैं जानता नहीं। तो अब ये सब लोग एकत्र हुए हैं तो क्यों हुए, इनको देश से प्रेम है, कोई स्वार्थ नहीं है। जिसको दिल्ली के कंचन क्लब में एक आंदोलन का आगाज लगभग हो चुका है।